पहला कदम जो वादा आपने किया आपने उसको जमीन पर उतारा है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपने कहा कि हम भयमुक्त वातावरण देंगे, आपने वो दिया, लोग यहाँ पर उस तरीके से रह रहे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सीएम यहाँ पर अब कुछ ही देर में यहाँ पर आएंगे। प्रीति बिल्कुल बिल्कुल खुशबू आपके पास लौटेंगे, लेकिन देखिए हिंदुस्तान पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ उस परिवार के बीच में हैं और देखिए उनसे बातचीत हो। आप लोग वहीं पे बिजनेस कर रहे हैं? आप लोगों को सरकार से कोई सहायता नहीं मिली थी? ठीक है, उनका कोई कागज वगैरह तैयार कराया? क्या नाम है जी? स्कूल पढ़ते हो? क्लास में 11th में स्कूल हो जाते हो ना? डर तो नहीं है? देखिए गलत चीजों के खिलाफ लोगों को खड़ा होना पड़ेगा और जब सब लोग मिलकर के ऐसे तत्वों के खिलाफ लड़ेंगे तो ही इस प्रकार के तत्व बेनकाब होंगे और उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने का भी वो मिलेगा, ठीक है ना। और हम लोग तो पहले दिन से इस चीज को कह रहे हैं कि इस प्रकार के तत्वों से बहुत सख्ती से निपटेंगे और उससे सख्ती से निपटने की कार्रवाई हो भी रही है, इसलिए घबराने की कतई आवश्यकता नहीं। पूरी सरकार साथ में है, शासन पूरा सहयोग करेगा, कहीं भी कोई दिक्कत की आवश्यकता कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, ठीक है ना। ये सभी लोग वास्तविक पीड़ित है महाराज जी, उस समय की समस्या बहुत ज्यादा गंभीर थी, इतनी गंभीर थी कि शायद सरकार ना आती तो 80-90% प्लान हो जाता जी। कैराना से काफी सहयोग बाबू जी का रहा जी, ये कैराना जब सरकार नहीं थी उस समय भी आए, व्यापारियों का हौसला बढ़ाया जी, सरकार आई जी तभी जाके भाई साहब सूरत चले गए थे जी, सूरत चले गए थे जी, सूरत यहाँ पे इतनी बड़ी व्यापार था जी, इतनी बड़ी दुकान थी कि मतलब परचून की दुकान थी, कोई सामान नहीं मिलता जी कहीं भी, इनकी दुकान पे मिलता था, 4-5 पीढ़ियों से दुकान चली आ रही थी, बंद हुई जी, बहुत बहुत परेशान हुए, बहुत रिक्वेस्ट की, जब इन्हें संतुष्टि हुई, मतलब एक इतना वोट बैंक की भी वो इन्हें महत्व था कि सूरत से केवल इसलिए वोट डालने आए जी हमारे कहने पर कि महाराज जी सरकार भाजपा की आ जाए, माहौल अच्छा क्या रखा था, सूरत से आए थे जी पूरा परिवार वोट डाल, ये स्थिति रही। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कैराना से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ उन परिवारों से मिल रहे हैं जो पलायन कर गए थे, अब वापस लौट आए, उन्हीं से बातचीत हो रही है सीएम की। हमारे सहयोगी खुशबू वहीं पर मौजूद है, खुशबू क्या कह रहा है ये परिवार? जी जी प्रत्युष, देखिए जब परिवार वालों से बात हुई तो उनका क्लियर ये कहना था कि वो बहुत खुश हैं, अब ऐसा यहाँ पर कोई भी माहौल नहीं जिससे उन्हें डरने की जरूरत हो और यहाँ पर एकता की जो बात अक्सर कही जाती थी वो अब साकार होती हुई दिख रही है। देखिए प्रत्युष इम्पोर्टेंट ये है कि सीएम योगी आदित्यनाथ अभी भी अंदर मौजूद है, परिवारों से बातचीत कर रहे हैं, मिल रहे हैं और अभी वो किसी भी वक्त यहाँ पर बाहर आएंगे, जो आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि अब यहाँ पर सीएम आएंगे, सीएम यहाँ पर क्या कहेंगे। हालांकि देखिए प्रत्युष ये भी तय है कि बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे सीएम यहाँ पर, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें होंगी और देखते हैं क्या कुछ होता है। मैं पूरी कोशिश माइक रख दीजिए बिल्कुल, तो खुशबू क्योंकि प्रत्युष मैं पूरी कोशिश करूंगी, सीएम जो कह रहे हैं वो हम सुनाने की कोशिश करें और एक एक जो पॉइंट है।
सब लोग ही नहीं आ पाएंगे प्लीज। हेलो हेलो, ठीक है, वहाँ पर दरअसल तैयारियां चल रही है क्योंकि आप देख रहे थे 20 सड़क पर माइक वहाँ पर लगाया जा रहा है जिससे योगी आदित्यनाथ जो कुछ कहें वो मैसेज हर एक घर तक जाए। खुशबू, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है, क्योंकि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं हिंदुस्तान जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहा है, बीच उन घरों के बीच में माइक लगाया जा रहा है और आपने कहा कि इंपॉर्टेंट बातें कहेंगे, जाहिर सी बात है बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज यहाँ से हर एक घर तक पहुंचना चाहिए, खासतौर पर वो जो पलायन कर गए और जो लौट चुके हैं अब वापस एक बार फिर से अपने घर को। कहा कि वो करते कि मेरी हत्या हो जाएगी, सपा की सरकार थी, तो एसपी को फोन करा भाई इनके साथ खतरा है, इनकी सुरक्षा कुछ करो, तो उसने गनर भी दे दिया, दुकान के बाहर गनर बैठा, बाइक पे सवार होकर 6-7 लोग आए और तड़ातड़ दिन में 2 लोगों को मार के सगे बात को छोड़ दिया। ऐसा माहौल बुरा रहने का था, बिल्कुल कोई कहने सुनने वाला नहीं था, बड़ी बुरा आतंक था, तस्वीर से भी बुरे हालात थे। बाइक की दुकान इमरजेंसी बंद कर दिया, उसी दिन ताला लग गया, तो ऐसा थी इधर पुलिस की चौकी भी ताले हो गए, बंद हो चुके थे, पुलिस वाली इकट्ठा सोना के लिए मजबूर हो गए। चौक बाजार में जी प्रशासन ने पुलिस चौकी बनाई जी, नशे का अड्डा था जी वो चौक बाजार में, उसी में चौकी बनाई जी। सर चौकी बोल चौकी सर बिल्कुल यही पास में 100 मीटर। अब 16 पुलिसकर्मी उस चौकी पर रह रहे हैं जी, वहाँ एक होमगार्ड भी नहीं मिलता था जी, अगर कोई सुनवाई करने के लिए चले जाए कुछ नहीं। डरना मत, बाबा की बगल में बैठे हो, कोई नहीं बिगाड़ता।